गच्छाधिपति ज्यारथी काळ धर्म पाम्या त्यारथी आ मिनिट सुधी मिनिटे मिनिटे गच्छाधिपति नी याद आवे शासनना कार्यो माटे एमनी पासे ज्यारे पण मार्गदर्शन लेवा गया होईए त्यारे एवुं सचोट मार्गदर्शन मळे आजे एनी बहुज मोटी एटले कोई कल्पना न करी शकाय एवी गच्छाधिपति श्रीनी खोट पड़ी छे। केवो रमूज स्वभाव, एक वार ओपेरा सोसाइटी ना चातुर्मास वखते साहेब ने थोड़ो ताव आवी गयो। फिक्स आम तो साहेब पोते ज वैद्यराज हता, सामान्य सामान्य मां तो बधु घर कथ्थू ज उपचार करे, पण मुनि भगवंतो ना आग्रह ना कारणे अंबावाड़ी थी ज डॉक्टर शैलेश भाई ने बोलाव्या। शैलेश भाई आव्या, साहेब नी जे कई चकासणी करवानी हती ए बधी करी, एमना दुखनी के एमने ताव आव्यो छे एनी कोई वात नहीं, अने शैलेश भाई ने बेसाड़ी ने पूछ्यु, शैलेश भाई तमारा दवाखाना ऊपर रोजना केटला पेशंट आवे छे? साहब लाइन लागी जाय छे, चार पांच कलाक सुधी मारे ऊंचू जोवानी पण फुर्सत नथी मळती, तमारी केबिन मां बधा साथे आवे? तो के ना, वारा फरती वारा आवे। एक पेशंट आव्यो अने पछी तमे बेल मारो ने बीजो आवे त्यां सुधी मां समय तो मळे ने, तो वचमां शुं करवानुं? तो वचमां तमारे नौकार गणो। ज्यारे 1.5 डिग्री 2 डिग्री ताव होय, એ તાવની વેદનાની વાત ન હોય, પણ ડોક્ટરને તમને વચમાં જે સમય મળે એ સમયે તમારે પેશન્ટ બીજો આવીને ખુરશી ઉપર બેસે ત્યાં સુધી વચમાં નૌકાર ગણવાનો। આવા સુવિચાર સિદ્ધાંત દિવાકર ગચ્છાધિપતિ શ્રી ને આપણા સંઘમાં બેસણા થયા છે।